मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आज फिर किया प्रदर्शन। करीब 15 दिनों से 4 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, नहीं हो रही कोई सुनवाई। आज हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे ज्ञापन। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्र काफी दिनों से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में फीस वृद्धि को लेकर भी कम करने की मांग की जा रही है। साथ ही NRI कोटे की सीटों को हटाने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि हम हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रचार, कलेक्टर, चिकित्सा मंत्री सभी जगह ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज छात्र हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे। क्यों प्रदर्शन किया और किसके नाम ज्ञापन दिया है? आज हम लोगों ने 4 मांगे लेकर प्रदर्शन किया है। जो MBBS स्टूडेंट है उनकी फीस वृद्धि को वापस लिया जाए, NRI कोटे की जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें की हैं उनको हटाया जाए और इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। चौथी मांग है जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाए। हम लोग आज सब मेडिकल स्टूडेंट 850 मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो सब लोग साइन करके मुख्यमंत्री सर के नाम यहाँ से ज्ञापन भेजेंगे। पिछली बार भी आपको प्रदर्शन किया था, फीस माफ होने? हाँ, पिछली बार भी हम लोग पिछले 20-25 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग लगातार चिकित्सा मंत्री, प्रिंसिपल सर, कलेक्टर सर को ज्ञापन दे रहे हैं, पर इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला है। अगर जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और कॉलेज गेट पे धरना प्रदर्शन करेंगे लगातार। आज हम सब लोगों ने UG स्टूडेंट ने इंटर्न पोस्टिंग और UG पोस्टिंग और क्लासेज का बहिष्कार किया है। आपका नाम? डॉक्टर नितेश भास्कर।